कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात का मिशन संभाल लिया है। गुजरात के प्रभारी बनने के बाद जब वासनिक अहमदाबाद पहुंचे, तो कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली से वासनिक का स्वागत किया। युवा कार्यकर्ताओं का जोश देखकर वासनिक ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरा और कहा कि 2004 के मंत्र के साथ वह 2024 के चुनाव के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए वासनिक ने गुजरात से पुराने संबंधों का जिक्र किया। इस दौरान मुकुल ने कहा, गुजरात से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं लंबे समय से गुजरात से जुड़ा हुआ हूं। गुजरात ने मुझे सदैव स्नेह और प्यार दिया है। आने वाले दिनों में गुजरात कांग्रेस के संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा और तालुका, जिला और राज्य स्तर पर भी विशिष्ट जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। प्रतिभाशाली लोगों को उचित प्रदर्शन जिम्मेदारी के साथ संगठन में रखा जाएगा। इस दौरान मुकुल वासनिक ने कहा कि 2004 से पहले ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वापसी नहीं कर पाएगी, लेकिन पार्टी ने 2004 के चुनाव में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया था। 2004 के चुनाव से पहले गो टू द पीपल मंत्र के साथ लोगों के बीच पहुंची थी और पार्टी को सफलता मिली थी। पार्टी एक बार फिर उसी मंत्र से आगे बढ़ेगी। 27 वर्षों से गुजरात में शासन कर रही भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से गुजरात का आम, मध्यम वर्ग, महिलाएं, किसान, युवा परेशान है। पिछले कई वर्षों से राज्य में दलितों, आदिवासियों, वंचितों और अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जबकि सजा की दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली बीजेपी सरकार के राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। वासनिक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के युवाओं को सम्मान के साथ रोजगार दिलाने, सरकारी नौकरियों, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, अनियमितता को रोकने और आंगनबाड़ियों, आशा कार्यकर्ताओं, मध्याह्न भोजन बहनों, निश्चित वेतन, अनुबंध के नाम पर आर्थिक शोषण के खिलाफ संघर्ष करेगी। वहीं गुजरात प्रदेश के नए प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस समिति की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें 7 प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए आभार व्यक्त किया गया। किसानों, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के साथ गुजरात में दयनीय शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद युवाओं को रोजगार देने और बीजेपी सरकार में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार का प्रस्ताव भी रखा गया। इन्हें सर्वसम्मत से पास किया गया। अंतिम में बीजेपी की जन विरोधी नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।